हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू अन अकेडेमी सेवन स्टैंडर्ड चैनल एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो कैसे हो क्या हाल चाल एग्जाम आ रहा है बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी ना कोई बात नहीं हम है ना यहाँ पे स्टे टू अन टूटेडमी सेवन स्टैंडर्ड चैनल एंड लाइक आई ऑलवेज टेल यू दैट दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन गाइज दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे आप जो चाहते हो सब मिलेगा आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो हम वो आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाएंगे सो डोंट 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 वरी वरी यू हैव टू टू गो जस्ट दिस चैनल एंड वी विल मेक श्योर दैट ऑल योर गेट तो जैसे कि uh, मैंने देखा कि काफी बार बहुत सारे बच्चों ने uh, मेरे को बोला है कि मैम जरा एटोमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर अटोमिक स्ट्रक्चर अटोमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं काफी बार बोल दिया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं पागल नहीं हूँ वैसे मैंने इतनी बार एटॉमिक स्ट्रक्चर बोला है क्योंकि मेरे को दिखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर इतने ही सारे बार तो मैंने सोचा चलो इस बारे में भी चर्चा करते हैं बहुत दिन हो गए हैं काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एटम्स और एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक को तो छोड़ना नहीं चाहिए वेल यू नो वाई वाई एग्जैक्टली आई एम सो हेल्प बाउंड कि आप लोगों को एटम्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसी चीजों के बारे में जानना चाहिए दैट्स बिकॉज गैस मेक अप वरीथिंग और बिना ऐटम्स के आज ना केमिस्ट्री होती है आपके पास ना आप होते हैं ना कोई चीज होती है इस दुनिया में तो कैसे छोड़ दे समथिंग दैट इज सो बेसिक समथिंग दैट इज यू नो समथिंग दैट एक्चुअली डिक्टेट द होल केमिस्ट्री वर्ल्ड उसको कैसे छोड़ सकते हैं कैसे उसका पीछा छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते हम ये कर ही नहीं सकते तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है चाहे आप सी बी एस में क्यों ना हो चाहे आप आई सी एस सी में क्यों ना हो चाहे आप इंडिया के बाहर किसी यू एस के बोर्ड से क्यों ना पढ़ रहे हो चाहे आप कश्मीर से पाकिस्तान से बांग्लादेश से चाइना से या जापान से या कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ लो बट भट... एटॉमिक स्ट्रक्चर तो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर है हर जगह सेम रहती है राइट एवरीबॉडी सो दिस इज योर साइंस एजुकेटर नवमिता भट्टाचार्य जी एंड आई एम ब्रिंगिंग टू यू अ लेक्चर ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर होप यू ऑल विल एंजॉय इट ठीक है ज़्यादा बड़ा नहीं होगा तो देखना मत भूलना एंड बिफोर आई स्टार्टेड दिस इज माय इंट्रोडक्शन गाइस दिस इज माय इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों को मेरे बारे में नहीं पता तो यहां पे सारी चीज़ें लिखी हुई है कि मैं कितने दिनों से टीचिंग करा रही हूं मैंने कितने से कौन से क्लास से कौन से क्लास को पढ़ाया है सी बी एस सी पढ़ा है ज़्यादा बट नाउ आई एम ऑल्सो वेंचरिंग इन टू आई सी एस सी एंड आई एम मेकिंग श्योर दट द आई सी एस सी स्टूडेंट्स डू नॉट फेल एलियेनेटेड तो आप सी सी एस ई से और आई सी एस सी से मैटर नहीं करता आप बस यहाँ आ जाओ एंड स्टेडिंग टू द चैनल वी विल टेक केयर ऑफ यू ऑल राइट गाइज सो डोंट यू फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू डू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू लव द वे वी आर टेकिंग क्लास दैन डोंट यू फर्गेट टू रिकमेंड टू यर फ्रेंड्स एज वेल और उनको भी यहाँ पर खींच के लाया जाए ठीक है All right, तो चलो शुरू करते हैं आज की School Daily का और आज की का और होने वाला वेरी इजी जरा एक बार देखो इस पिक्चर को गौर से आपको बीच में दिख रहे हैं ऑरेंज और ग्रे कलर के कुछ चीजें राइट एज न्यूक्लियस क्या कहा जाता है उस पार्ट को उस पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस ठीक है एंड बाद अगर अभी आपको डाउट है कि मैम मैम ये एटम्स क्या होता है अगर आप सर खुजला रहे हो कि मैम ये एटम्स क्या होता है सो so, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास यू आर थिंकिंग दैट अब क्या करें अब क्या करें मैम का सारा प्लान कैंसिल हो गया बट नो आई डू हैव अ वीडियो दैट आई हैव मेड ऑन स्टैंडर्ड चैनल जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा विच इज अ द नेम ऑफ़ द वीडियो इज बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री तो जाके एक बार उसको भी देख लेना अंडरस्टैंड वोट आर एटम्स वोट आर मॉलिक्यूल्स वॉटर केमिकल कंपाउंड वाटर केमिकल एलिमेंट्स वॉट आर प्रोटोन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ये सारे वैसे ये सारी चीजें तो मैं आज भी बता दूंगी आपको थोड़ा बहुत बट आई वुड रिकमेंड मैं आप लोगों को बोलूंगी बार बार सजेस्ट करूंगी कि बेटा प्लीज जाके एक बार वो वीडियो भी देख लेना इट विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ठीक है ऑल राइट तो चलो शुरू करते तो ये जो पार्ट है राइट दिस पार्ट दिस पार्ट ऑफ एन एटम ये पूरा वैसे एटम है हा दिस होल थिंग ये जो भी चीज दिख रहा है आपको ये पूरा जो है वो एटम अब ऐसा कहा जाता है वैसे कहा तो नहीं जाता है सिर्फ इट इज एक्चुअली द ट्रूथ एटम्स डू मेक अप एवरीथिंग एटम्स सारी की सारी चीजों को बनाते चाहे आप एक कंगी क्यों ना उठा लो आप अपना फोन क्यों ना उठा लो आपका ये बड़ा सा लैपटॉप आप खुद आप जो भी चीजें खाते हो आपका ये जो प्लास्टिक का बॉटल होता है या फिर स्टेनलेस स्टील का प्लेट होता है या फिर आपके घर का स्पीकर या फिर आपके विंडोज या फिर आपके डोर्स या फिर आपका वो सीमेंट जिससे आपका घर बनता है ऑल ऑफ इट इज मेड अप ऑफ एटम एंड नॉट जस्ट दैट इन इन यू टेक यस एयर इज इसल्सो मेड अप ऑफ मैटर एंड दैट ऑल्सो कि कैसे हमने तो सुना था कि हवा में गैसेस होते हैं जी हाँ बिल्कुल हवा में गैसेस होता है पर वो गै गे, गैशियस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो किससे बने एटम्स है ना तो चलो बात करते हैं एटम्स की तो ये पूरा जो आप देख रहे हो आप देख रहे हो एटम अब बहुत सालों पहले ना वॉज द साइंटिस्ट हु टू बी द फादर ऑफ केमिस्ट्री और उन्होंने कहा था कि आपको पता है क्या ऐटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन वर्ल्ड एटम सबसे छोटा होता है यू कैन नॉट डिवाइड इट इज इनडिविजिबल आप उसको बिल्कुल भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बट और थोड़े साल बाद जब लोगों ने और पढ़ाई करना शुरू किया जब लोगों ने और चीज़ें देखना शुरू किया जब उन्होंने और स्टडीज की और रिसर्चेस किए तो उनको पता चला कि that's not correct. क्ट तो so, आप क्या करें सो नाउ वॉर है पता चला कि एक्चुअली एटम्स के अंदर भी और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है सब अटोमिक पार्टिकल क्या नाम दिया जाता है सब अटोमिक पार्टिकल्स तो ये जो आप देख रहे हो ना ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन नाउ दीज आर योर सब अटोमिक पार्टिकल क्या कहा मैंने इनको कहा जाता है सब अटोमिक पार्टिकल अब ये प्रोटोन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सब अटोमिक पार्टिकल है और रिमाइंड यू अगेन दैट प्रोटोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन्स में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन्स में होता है नेगेटिव चार्जेस और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं भाई उनमें चार्ज नहीं होता वो सिर्फ वजन देते हैं दे हैव वेट दे हैव मास दे गिव द एटम मास अगर एटम की थोड़ी भी बहुत जो वजन है ना उसका 90 परसेंट अगर उसकी 90 परसेंट एटम्स के वजन का 90 परसेंट रीजन है 90 परसेंट रीजन सॉरी आई ऐसा रीजन 90 परसेंट रीजन इज जस्ट एंड जस्ट न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के पास वजन है और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पास चार्ज है ठीक है वो वो कहा नहीं चाहता डायलॉग की मेरे पास आज बंगला है गाड़ी है तुम्हारे पास क्या है और

ये दोनों एक चीज के अंदर होते एटम्स के अंदर डेफिनेटली ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दीज आर ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो जाहिर सी बात है कि तीनों के तीनों दे आर ऑल इन द एटम या प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑल ऑफ देम आर इनसाइड द एटम नाउ दिस एटम हैज अ सेंटर दिस एटम के पास एक सेंटर है बीच में बीच में कुछ चीज है बीच में क्या चीज है बीच में है प्रोटोन और न्यूट्रॉन दिस बीच वाला स्टेज सेंटर एरिया नो दट नोन एज न्यूक्लियस दोन एस एवरीस न्यूक्लियस सेंटर एरिया पे हमारे पास है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस में कौन रहते हैं प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन द प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस वेर इज इलेक्ट्रॉन आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर उधर इधर उधर अपने ही मन मर्जी से घूमते रहते हैं एटम्स के अंदर एटम से बाहर नहीं जाते कई बार चले भी जाते हैं बट अभी के लिए आप जान लो कि वो एटम्स के अंदर इधर 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 उधर 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 घूमते रहते रहते हैं चलते रहते हैं चलते ठीक नहीं न्यूक्लियस इज बाउंडेड न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटोन और न्यूट्रॉन है और मैंने अभी तक क्या कहा न्यूट्रॉन के पास क्या है मास है प्रोटोन के पास पॉजिटिव चार्ज है प्रोटोन के पास भी मास है बट वो थोड़ा सा न्यूट्रॉन से कम होता है प्रोटॉन के पास मास है बट इट्स स्लाइटली लेस देन न्यूट्रॉन वेयर इज इलेक्ट्रॉन्स हैव इवन लेसर मास देन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओके एंड इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट मूविंग अराउंड दे आर मूविंग अराउंड मूविंग अराउंड मूविंग अराउंड अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पता है हाउ दे स्टे आप देख रहे हो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर लाइक यू नो ऐसे करके क्लम्प्ड है एक जगह पे एक जगह पे और ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास शेल्स है इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है शेल्स है इसके पास पाथ है ऑर्बिट्स है जैसे चारों ओर सन के चारों ओर अर्थ मार्स मर्क्यूरी वीनस जुपिटर सार, सारे के सारे घूमते हैं ना वैसे न्यूक्लियस को मान लो आप सन और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाकी प्लैनेट्स के तरह ऐसे रोटेट करते रहते हैं जस्ट लाइक

और आइड एवरीबडी तो क्या आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ आया एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन लाइक आई सेड एटम्स डू मेक अप एवरीथिंग एटम्स वर कंसिडर टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मेक अप एवरीथिंग हाउ एवर इन आई थिंक नाइनटीन हंड्रेड एंड एलेवन शायद आई गेस आई एम नॉट वेरी श्योर क्योंकि डेट्स में मैं थोड़ी सी कमजोर हूँ बट जस्ट चेक इट आउट हाँ आई थिंक इट वॉज

उसमें अगर कोई चीज़ आके टकराती है तो वो वापस उसी पे चली जाती है ठीक है टकरा के वो वापस चली जाती है पर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में थोड़ा सा गैप है तो वहाँ वहाँ से वहाँ वहाँ से जो है यू नो पार्टिकल्स कैन गो थ्रू आपको पता है ना अर्नेस्ट इज की एक्सपेरिमेंट चलो इस बारे में कभी और बात करते हैं बट आज के लिए आई होप दैट यू गैस अंडरस्टूड वॉट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज़ and guys i am reminding you again please do not forget to watch the video on basics of chemistry that is there on an academy class 6 standard channel and it will also be there in the description box go ahead and take a look at it and you will find it very interesting plus you will gather a lot of knowledge so that was all for today guys. Thank you so much for coming and watching this video. I hope you liked it and I hope that if you did like it, you will like, share and subscribe this video and if you did love it, then you will call up your friends as well and ask them as well to make this as your one-stop video. That, uh, make this as a... Uh, uh, और बस मैं कह रही थी कि अगर आपको पसंद आया तो प्लीज अपने अपने दोस्तों को भी बताओ गो कॉल अप योर फ्रेंड्स आज देम ऑल्सो टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज दिस इज इफ दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन इट शुड बी डेयर एज वेल है ना ऑलराइट एंड यू गाइस नो दैट टुमारो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव आउटस्टैंडिंग यू फर्गेट टू स्टे टून टू दिस चैनल की लव ऑल राइट एवरीबाडी चलो So that was all guys with this note, this is me, Nobamita Padajaji, your science educator from AN Academy. Hope you love the video. Take care, study well, stay safe, and I'll see you all very, very, very soon. Lots of love guys. Tara.